हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और अभी हम हैं नैनीताल के ट्रिप पर, और अभी हम आ चुके हैं चाय के बागानों में। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, अभी हम चाय के बागानों में हैं। ये नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर एंट्री का शुल्क 40 रुपये है एक व्यक्ति के लिए। तो अभी हमने वहाँ पर टिकट ले लिया और अंदर की तरफ आ गए, और बच्चा देखो चाय के बागानों में फुल मस्ती कर रहा है उधर, फुल मस्ती के मूड में। और यहाँ के व्यू देखो आप, और यहाँ पे एक शानदार सा रिसोर्ट है, वो देखिए बैकग्राउंड में। रिसोर्ट नहीं, रेस्टोरेंट, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेगी, और इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। हमने यहाँ पर चाय ट्राई की थी, यहाँ के बागानों की चाय है, वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर जो मैगी बनी वो भी बहुत अच्छी थी, वेज मैगी हमने ट्राई करी थी, उसका टेस्ट भी बहुत अल्टीमेट था। तो यहाँ के चारों तरफ तो व्यू आपको दिखाते हैं, आप ब्लॉग में बने रहें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों चाय के बागानों का व्यू है, देखो ये पूरे चाय के प्लांट्स हैं, और यहाँ पर एक फैक्ट्री है उधर, उसमें इनको प्रोसेस किया जाता है चाय को। और ये यहाँ पे शानदार सा रेस्टोरेंट है, इसके अंदर अभी हमने पेट पूजा की थी, और टेस्ट सच में बहुत अच्छा था चाय का और वेज मैगी का, दोनों का ही। और ये बच्चे और मैडम दोनों मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। बिट्टू हाय करो, हाय करो, क्या बोल रहा, पानी पीना है? अब ये जब से यहाँ पर आया इसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी पानी करता रहता है। क्या कहना चाहोगे अपने व्यूअर को, बोलो बोलो। ऐसे कौन आया करता है, ऐसे कौन आया करता है भाई, पानी पीना है, चलो इसको पानी पिलाते हैं। और ये यहाँ के नज़ारे हैं दोस्तों, क्या शानदार व्यू है यहाँ का, और ठंडक बहुत ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हम सुबह यहाँ पर आए थे तो 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, अभी तो 10 डिग्री के आसपास चल रहा है, धूप खिल रही है, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। और हमने स्कूटी रेंट पर लिया तो उस पर हम घूम रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ के आसपास की जगह को अभी कल और विजिट करेंगे, तो आपको अलग अलग जगह यहाँ की दिखाएंगे। वैसे तो हमने 2-3 जगह विजिट करी थी, आज सुबह हम कैंची धाम गए थे, वहाँ पर क्या है लेकिन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने वहाँ का कोई ब्लॉग बनाया नहीं है। और एक जगह और गए थे, वहाँ भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए भी हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आज अभी तो यहाँ पे ब्लॉग बना लिया है एक छोटा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने भी पहली बार देखे हैं चाय के बागान। वैसे मूवी वगैरह में काफ़ी बार देखे हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार देखे हैं, और काफ़ी अल्टीमेट है यहाँ पर, और यहाँ की जो चाय बनी है वो तो अल्टीमेट है एकदम। और ये दोस्तों यहाँ पर ये टी प्लांट T78 शायद चाय की किस्म है, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल अलग है और इधर वालों के पत्ते बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर ये देखो इस तरह एक ये लगाया हुआ है होर्डिंग, इसमें देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर पिक है। और यहाँ के व्यू, उधर आगे तक पूरी चाय की खेती हो रही है अलग अलग किस्में यहाँ पर, उधर आगे भी। और ये यहाँ के पेड़ों का व्यू देखो आप, क्या शानदार व्यू है। और यहाँ पर वॉशरूम भी है ये, और उस तरफ रेस्टोरेंट है, और उसके उधर फैक्ट्री है जिसमें टी प्रोसेस की जाती है। यहाँ पर परिधान पहन के फोटो खिंचा सकते हैं आप। कितना चार्जेस का? 100 रुपीज। ये बिट्टू बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बिल्कुल गोदी में रह रहा है, पैदल नहीं चल रहा है, चिल्ला रहा है जोर जोर से, गोदी गोदी, ये देखो हंस रहा है, हंस रहा है, कैसे हंसी आ रही है, कैसे हंसी आ रही है। बहुत ज्यादा शैतान हो चुका है, बिल्कुल पैदल चलना नहीं चाहता, इसको पूरा कंफर्ट चाहिए, इसने बहुत ज्यादा परेशान किया था सफर में भी। और दोस्तों यहाँ पर एंट्रेंस पे देखो ये अलग ही तरह के नींबू है, इनको पहाड़ी नींबू बोलते हैं यहाँ पर, इतने साइज बड़ी है इनकी, देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये बहुत बड़े बड़े नींबू हैं, इनको गलगल भी बोलते हैं यहाँ पर लोकल भाषा में, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ के पेड़ों का व्यू देखो आप, कितना शानदार आ रहा है। तो ये थे दोस्तों घोड़ाखाल चाय के बागान, जो हमने आपको वीडियो में दिखाए। आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो और ये जगह कैसी लगी। ये नैनीताल से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसको देखने आप ज़रूर आएँ और यहाँ के व्यू का आनंद उठाएं, और यहाँ की जो रेस्टोरेंट है उसकी चाय ज़रूर पिएं,
उसकी चाय बहुत अल्टीमेट है, और साथ में वेज मैगी हमने खाया, बहुत मज़ा आया। और इस व्यू को साथ में इंजॉय करते हुए हमने वो दोनों चीज़ खाई थी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और अल्टीमेटली काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपके पास टाइम हो, आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। तो हमने तो देखा, हमको अच्छा लगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को समाप्त करते हैं, क्योंकि अब बिट्टू चलने के लिए तैयार हो चुका है और मैडम भी तैयार है, और बाहर हमारी स्कूटी खड़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।